नमस्कार फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हॉट जीके टॉप जीके में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं और आप सब गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा का पूरा लाभ उठाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को देखना। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और करना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और प्रेस कर लें ताकि अपडेट आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जहाँ आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, वो है आपका वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है वंदे मातरम। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल करते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? जी, आपको बताना है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो था सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था बाघ से पहले। अगला सवाल करते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? आपको बताना है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है, वो होता है आपका फाल्गुन मास। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाल्गुन मास। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला सवाल। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन होता है, वो होता है चैत्र मास। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत्र मास। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। अगला प्रश्न। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए, शीर्ष भाग। अगला सवाल कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया? जी हाँ, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत संकलित किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आनंद मठ आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? आपको बताना है राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 65 सेकेंड की अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान जन गण मन और सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जी हाँ, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
इसमें इनमें से किसने बनाया था? वो बनाए थे पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इसमें से किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जी आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आपका वो अनुपात है 3:2। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप सब इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? वो है आपका अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? जी हाँ, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इनमें से बताना है आपको भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? वो हैं आपकी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न करते हैं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था? जी हाँ, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? आपका करेक्ट आंसर है सी, 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? जी आपको बताना है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो वो थे 1901 से शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? 1901 से आरंभ किए गए थे, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? क्या आपको बताना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो वो किए जा रहे हैं 1969 से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? जी आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? वो की थी स्वीडन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सब। अगला सवाल कर लेते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मदर टेरेसा को मिला था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी से याद रखिएगा। अगला सवाल, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? आपका करेक्ट आंसर है पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? वो हैं आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा इसे, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। जी हाँ, बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल करते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? अभी ऊपर मैंने बताया था, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अगला सवाल करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया था? किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकर पुरस्कार, उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 30 जीके जीएस और जीए के बुस्ट प्रश्न, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो उन्हें आप बहुत ही गौर से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।